नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। इस बार 11 मार्च को हरिद्वार में कुंभ मेले का पहला शाही स्नान होगा। इसके बाद अप्रैल में 3 शाही स्नान होंगे। देवभूमि में कुंभ के अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं। कुंभ में सभी अखाड़े भव्य शाही अंदाज में गाजे बाजे और रथ पर सवार होकर मेले में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश के समय इनके साथ हाथी, घोड़े, ऊँटों पर सवार नागा सन्यासी और भभूत में लिपटे नागा सन्यासी, साधु संत लोगों में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। संतों और साधुओं के दर्शन के लिए सड़कों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की पेशवाई भी धूमधाम से निकाली गई। संतों ने भव्य पेशवाई के रूप में छावनी में प्रवेश किया। पेशवाई में सबसे आगे अखाड़ों की धर्म ध्वजा, उसके बाद देवता और आचार्य महामंडलेश्वर का रथ चल रहा था। भव्य रूप से निकाली जाने वाली पेशवाई में अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद महाराज के अखाड़े के 40 से ज्यादा महामंडलेश्वरों के अलावा बड़ी संख्या में नागा सन्यासी और संत महंत मौजूद रहे। पेशवाई में श्रद्धालुओं को सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। पेशवाई के दौरान साधु संतों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी करवाई जा रही है। बता दें कि 11 मार्च को शाही स्नान है। शिवरात्रि के मौके पर पवित्र गंगा स्नान होगा। गौरतलब है कि हरिद्वार यूं तो तीर्थ नगरी है, पर ऐसा महापर्व 12 साल बाद तब आता है जब कुंभ होता है, और इस बार 11 साल में ही ये अवसर आ गया है। मान्यता है कि कुंभ में किए गए एक स्नान का फल कार्तिक मास में किए गए 1000 स्नान, माघ मास में किए गए 100 स्नान और वैशाख मास में नर्मदा में किए गए करोड़ों स्नानों के बराबर होता है। हजारों अश्वमेघ, 100 वाजपेयी यज्ञों और 1,00,000 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो पुण्य मिलता है, वो कुंभ में एक स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।